So, how to get more impressions on your YouTube channel? अगर इसकी जगह पे मैं आपको ये बोलता कि how to get more views on your YouTube channel, तो maybe आपको ये वीडियो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती, क्योंकि आपको अपने चैनल के ऊपर व्यूज गेन करने पर सीरियसली अगर मैं आपको बताऊं तो आपको अपने चैनल के ऊपर व्यू से ज़्यादा इंप्रेशंस का ख्याल रखना चाहिए कि YouTube आपके वीडियो के कितने ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रेशंस दूसरे लोगों तक लेके जा रहा है, चाहे वो गूगल सर्च के थ्रू हो, चाहे वो YouTube के ऊपर सर्च के थ्रू हो, चाहे वो YouTube के रिकमेंडेशन हो, या फिर और अदर फीचर्स के थ्रू जो YouTube के जो आपकी वीडियो को वो रिकमेंड करता है। सो आज का टॉपिक हमारा यही है कि हाउ टू गेट मोर इंप्रेशंस ऑन योर YouTube चैनल। सो गाइस, यहाँ पर मैं आपको अपने चैनल के एक एक एनालिटिक्स शो करूंगा और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि जो मेरे चैनल के ऊपर इतने कम व्यूज थे वो अचानक से इतने ज्यादा इंक्रीज कैसे हो गए, और जो मेरा सब्सक्राइबर्स काउंट था वो अचानक से इतने ज्यादा बढ़ने कैसे स्टार्ट हो चुका है, और सारी की सारी जो स्ट्रेटेजी मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, मैंने आखिर ऐसा क्या यहाँ पे यूज किया अपने चैनल के ऊपर जो मेरे चैनल की ग्रोथ है अचानक से बढ़ गई है और व्यूज वगैरह जो पर डे की है वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई है। तो मैं आपको पूरा का पूरा यहाँ पे दिखाऊंगा, और इसके साथ साथ मैं वीडियो के एंड में आपको ये बताऊंगा कि एक बहुत बड़े क्रिएटर ने आज कितनी बड़ी झूठ बात बोली है यहाँ पे, और कितनी गलत फहमी आप लोगों के बीच में फैलाई है, और कितनी गलत चीजें आपको बताई है कि अगर आप ये करेंगे तो आपका चैनल जो है वो ग्रो करेगा और आपकी वीडियो ग्रो करेगी। तो इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चलता हूं मैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर, वहां मैं आपको अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे अपने चैनल की एनालिटिक्स शो करता हूं कि हाँ भाई मेरे कितने व्यूज हैं, कैसे सब्सक्राइबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, कितना वॉच टाइम मैं गेन कर रहा हूं, और एक हफ्ते में कितना इंप्रेशंस मैं गेन कर रहा हूं, और मेरे चैनल पे अभी तक कितना मैंने इंप्रेशंस गेन किया है, व्यूज गेन किए हैं। सो गाइस चलता हूं मैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे। सो गाइस मैं आज को यहां अपने डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर, और आप यहां पे देख सकते हैं मैंने लास्ट 28 दिन में यहां पर गेन किए हैं अप्रॉक्स 30,000 व्यूज मैंने यहां पे गेन किए हैं अपने चैनल पे, और जो 28 दिन में जो मैंने वॉच टाइम गेन किया यहां पे वो है 870 आवर्स का। सो 870 घंटे का वॉच टाइम मुझे यहां पे गेन हुआ है, और जो रेवेन्यू है ये मेरे यहां पर है $17.52 की, जो मेरे यहां पे रेवेन्यू है। और अगर मैं यहाँ पे आपकी बात करूँ तो ये आज की हमारी स्ट्रीम वीडियो है, जो अगर आपने नहीं देखी हो तो जरूर जाकर देख लेना, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी बातें मैंने उसमें करी हैं। और इसके साथ अगर मैं आपको ले चलता हूँ अपने यहाँ पे एनालिटिक्स सेक्शन के ऊपर, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सारा डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि मेरे चैनल आखिरकार ऐसा क्या कर रहा है, कितनी ग्रोथ हो रही है मेरे चैनल के ऊपर। सारा का सारा आप मैं यहाँ आपके साथ बिल्कुल लाइव प्रूफ में बिल्कुल खुलेआम आप पर दिखाने वाला हूँ कि मेरा चैनल इतना ज़्यादा ग्रोथ कैसे कर रहा है। और एक बहुत बड़ी चीज़ गाइज मैं आपको बताऊंगा कि जो आपने यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर बहुत यहाँ पर लिखा आ रहा है कि कॉन्ग्रेचुलेशन योर चैनल व्यूज आर अप टू 161%, मतलब 161% मेरे चैनल के ऊपर ग्रोथ बढ़ी है, व्यूज बढ़े हैं, अचानक से व्यूज आना बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है मेरे चैनल के ऊपर। सो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरे व्यूज है यहाँ पे, आप देख सकते हैं 28,000 यहाँ है, 28,600 है, और अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट 48 आवर्स का, तो आप देख सकते हैं 4,685 व्यूज यहाँ पे मेरे यहाँ पे देखने के लिए मिले, और जो मेरा सब्सक्राइबर्स हैं वो है 3,484, और अभी से एक हफ्ते पहले तक ये 3,000 भी नहीं थे। और यहाँ अगर आपको वॉच टाइम दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 870 घंटे का वॉच टाइम है, और एस्टिमेटेड रिवेन्यू वगैरह सब कुछ बढ़ रहा है, और आप देख सकते हैं एक दिन में 87 मतलब अप्रोक्स 90 आवर्स का वॉच टाइम मेरे को यहाँ पे मिला है। और आज यहाँ से आप पीक देख सकते हैं यहाँ पे ये कांस्टेंट यहाँ पे आ रहा था 16 घंटे 17 घंटे 18 घंटे का, और अचानक से यहाँ पे जो पीक आया आप देख सकते हैं 24 घंटे का, उसके बाद यहाँ पे 42 घंटे का, फिर 66 घंटे का, ऊपर सीधा 87 आवर्स का, इस तरह से जो पीक है बहुत ज़्यादा मेरे चैनल के ऊपर इंक्रीज हुआ है। अगर मैं आपको व्यू का दिखाऊं तो आप देख सकते हैं व्यू अचानक से ही बिल्कुल एक ही बार में बिल्कुल ऊपर पहुंच गया है। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आपके चैनल के ऊपर एकदम से 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार व्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगे, बट मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि अगर आप मैं आपको जो बताने वाला हूँ अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हो, तो अगर आपके 100-200 व्यूज आ रहे होंगे तो वो 500 में कन्वर्ट हो जाएंगे, अगर आप वो 500 आ रहे होंगे तो वो 1,000+ में कन्वर्ट यहाँ पे हो जाएंगे। सो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये है, और अगर मैं आपको यहाँ पे ये 28 डेज का है, क्योंकि 28 डेज पे मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं करी थी, मैं भी बिल्कुल डाउन था, और अगर मैं आपको यहाँ पे पिछले 7 दिन का दिखाऊं तो आप देख सकते हैं व्यूज़ कितने 13,000 व्यूज़ हैं, वॉच टाइम कितने 414 घंटे का वॉच टाइम है, और 7 दिन में 84 सब्सक्राइबर्स, और 7 दिन में $5.80 की यहाँ अर्निंग हुई है, जो अभी पिछले 1-2 दिन के अभी यहाँ पर ऐड नहीं हुआ है। और अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर रीच दिखाऊँ तो देख सकते हो अप्रॉक्स 80,000 का इंप्रेशंस मुझे मिला है 7 डेज में। तो आपको इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा कि भाई आपके इंप्रेशंस इंक्रीज हो, अब क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे 79
1000 यहाँ पे इंप्रेशन है, क्लिक थ्रू रेट आप देख सकते हो 11.5 का मुझे यहाँ पे मिल रहा है। अगर मैं आपको ओवरव्यू वाले सेक्शन पे दिखाऊँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे टेल मी मोर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो मेरे व्यूज वगैरह यहाँ पे कितने ज्यादा यहाँ पे शो कर रहा है। और यहाँ पे आप बहुत ही ध्यान से देख सकते हो, यहाँ पे बहुत ही आराम से यूट्यूब ने खुद लिखा हुआ है कि पर डे ये 7400 इंप्रेशंस दिखा रहा है मैं ये यूट्यूब पे सर्च के थ्रू और रिकमेंडेशंस के थ्रू। तो आप खुद सोचिए अगर 7500 अगर इंप्रेशंस पर डे का आएगा तो आपके चैनल के ऊपर भी व्यूज ऑटोमेटिकली इंक्रीज होंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ मैं आपको सारा का चैनल, मेरा चैनल यहाँ पर बिल्कुल ओपन पड़ा है सब कुछ यहाँ पे, मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखा रहा हूँ। तो गाइस ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं आपके साथ झूठ बोलूंगा या फिर कुछ ऐसी गलत बात मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। अगर मैं आपको यहाँ पे रीच वगैरह दिखाता हूँ तो आप देख सकते हैं 79,000 की इंप्रेशन से क्लिक थ्रू रेट भी इतना हाई है, एंगेजमेंट वगैरह भी देख सकते हो बहुत ज्यादा हाई जा रहा है। और ये देख सकते हो पीक यहाँ से नीचे से डाउन से सीधा अप होता हुआ ये चला जा रहा है और ये चीज डेली बेस पे इंक्रीज हो रही है। और इसके वजह से जो मेरी पुराने वीडियोस है उसके ऊपर भी इंप्रेशन आना स्टार्ट हो चुका है। तो मैंने ये चीज किया कैसे, आपको अपने चैनल के ऊपर कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहने पड़ेंगे। लाइक जैसे मेरा चैनल यहाँ पे डाउन था तो मैंने यहाँ पे कुछ वीडियोस अपलोड करी। लाइक मैंने यहाँ पे एक वीडियो अपलोड करी हाउ टू माइन फ्री डॉग कॉइन। आज के टाइम में अगर आपने देखा होगा कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बहुत ज्यादा हाइप हुआ पड़ा है और डॉग कॉइन के ऊपर बहुत ज्यादा हाइप है, एलन मस्क इसके ऊपर ट्वीट्स वगैरह कर रहे हैं, ट्विटर के ऊपर आ रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं और बहुत सारी बातें यहाँ पे चल रही हैं। तो इस चीज का फायदा उठाते हुए मैंने अचानक यहाँ पर एक वीडियो डाल दी हाउ टू माइन यहाँ पे फ्री डॉग कॉइन। तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर 5,566 व्यूज हुए पड़े। और अगर मैं इसके एनालिटिक्स आपको शो करता हूँ तो आप देखोगे 5.7 यहाँ पे है और सब्सक्राइबर्स 23 मिले हैं, वॉच टाइम 205 घंटे का मुझे यहाँ पे मिला है। और अगर इसकी रीच की बात करूँ तो 25,000 की रीच है और इसका क्लिक थ्रू रेट आप देख सकते हैं 17.7 है, बीच में ये 22 और 20 के अराउंड भी गया हुआ है। तो इस तरह से चीजें बढ़ी हैं। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आपको अपने चैनल के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने और ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करने ताकि जो चीज है वो सर्च के टाइम पे आए, ऐसी ना हो कि आपने एक नए, अगर आप एक नए क्रिएटर हो तो आपको एक्सपेरिमेंट करना है अपने चैनल के ऊपर, नई नई चीजें लेके आनी है, नई टॉपिक्स के ऊपर लेनी है जो आज के टाइम में बिल्कुल ट्रेंड के ऊपर चल रहा है, जो लोगों को बहुत ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं। आपको ऐसे टॉपिक्स यहाँ पे ढूंढने हैं और उस टॉपिक के ऊपर आपको यहाँ पे वीडियो बनानी है ताकि जो आपके चैनल के ऊपर है इंप्रेशन ज्यादा से ज्यादा है। अगर मान लो अगर आपने वीडियो बनाई हाउ टू गेट 4000 व्यूज या हाउ टू गेट 4000 वॉच टाइम इन योर यूट्यूब चैनल, तो ये चीजें तो पहले से ही बनी हुई हैं। अगर ये चीजें पहले से ही बनी हुई हैं, सेम कंपटीशन में आप भी अपनी वीडियो उतार रहे हो तो कहाँ आएगी इंप्रेशन? जो पहले से लोग हैं उनकी वीडियोस के ऊपर इंप्रेशन जाएगा पहले ही, तो आपकी वीडियो के ऊपर इंप्रेशन आने का, आपकी वीडियो के ऊपर व्यूज आने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसलिए कह रहा हूं कि अपने चैनल के ऊपर एक्सपेरिमेंट करो और अपने चैनल के ऊपर कुछ ऐसी वीडियो डालो जो करंट सिचुएशन में चल रही है और करंट टाइम पे उसका जो व्यूज है, इंप्रेशन है और डिमांड है बहुत ज्यादा हाई हो। अगर चीज की डिमांड ज्यादा हाई होगी तो चाहे उसके ऊपर 10 से 50 वीडियोस क्यों ना बन गए हो, आपके पास व्यूज आएंगे, आपके पास इंप्रेशंस आएंगे। और यहां बात करता हूं मैं एक बहुत बड़े क्रिएटर, इस क्रिएटर की आप अगर मैं आपको बताऊं तो इस क्रिएटर के यूट्यूब चैनल पे 1.5 मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर्स है, बट ये बंदा झूठ बोलने से बिल्कुल भी नहीं कतराता, झूठ इतने बड़े बड़े बात बोलता है कि उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। मनोज दे की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, आज ही इस बंदे ने एक वीडियो डाली कि हाउ टू गेट मोर इंप्रेशंस और मोर व्यूज। भाई बंदे ने चीज बिल्कुल सही बताओ स्टार्टिंग में कि आपकी वीडियो रैंकिंग के ऊपर डिपेंड करती है कि आपकी वीडियो किस जगह पे रैंक कर रही है, पर यहां पर उसने बहुत बड़ा एक झूठ बोला कि आपको अपनी वीडियो को शेयर करना चाहिए दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह जगहों पे शेयर करना चाहिए। पर गाइस मैं सही बताऊं तो आपको बिल्कुल भी अपनी वीडियोस को शेयर नहीं करना चाहिए किसी भी जगह पे, क्योंकि अगर आप अपनी वीडियोस को शेयर करते हो किसी ऐसे पर्सन को जो आपकी वीडियो में इंटरेस्ट ना लेता हो तो वो आपकी वीडियो को स्टार्ट करेगा और आपको वे की जस्ट व्यू देके बंद कर देगा। अगर आपकी 5 मिनट की वीडियो, अगर उसने आपकी 10 सेकंड आपकी वीडियो देखी तो आपका जो वीडियो है वो डेड हो जाएगी वीडियो, आपकी यूट्यूब जो वीडियो है उसे यूट्यूब कभी भी रिकमेंड नहीं करेगा किसी दूसरे पर्सन को। इसलिए कभी ऐसे पर्सन को वीडियो अपनी शेयर मत करो जो आपकी वीडियो में इंटरेस्ट ना लेता हो, क्योंकि आपको एक व्यू तो जरूर मिल जाएगा बट आपकी वीडियो का रीच मर जाएगी, आपका चैनल का रीच मर जाएगा यहाँ पे। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना और बिल्कुल भी अपनी वीडियोस को शेयर मत करना। तो मैं अभी बता रहा हूं कि मनोज दे की वीडियोस पे ज्यादा भरोसा मत किया करो, एक नंबर का झूठा इंसान है वो, मत ही माना करो उसकी बातें। सो गाइस ये था वो ट्रिक कि आपको अपने चैनल के ऊपर ज्यादा से ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करने, और जब से जितना ज्यादा आप एक्सपेरिमेंट करोगे अपने चैनल के ऊपर, नए नए टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाओगे, जो ट्रेंडिंग टॉपिक जिसकी डिमांड ज्यादा, अगर उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाओगे तो गाइस आपके इंप्रेशंस बहुत हाई जाएंगे, आपका जो कीवर्ड्स वगैरह की रैंकिंग वगैरह एसईओ वगैरह आप प्रॉपरली करो
और इसी से आपकी जो वीडियो की रैंकिंग वगैरह बहुत हाई जाएगी आपको, क्योंकि आपको इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि आपके इंप्रेशन जितने बढ़ेंगे उतना ही आपके वीडियो के व्यूज़ यहाँ पे बढ़ेंगे। तो इंप्रेशन के ऊपर ध्यान दो कि आपके कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रेशन बढ़ा सकते हो, कैसे कैसे अपना CTR बढ़ा सकते हो। जब तक आपकी वीडियो के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा CTR ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा, लोगों का ऑडियंस रिटेंशन आपकी वीडियो के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा, उतनी देर आप लोग आपकी वीडियो के ऊपर रहेंगे तो आपकी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल होगी और वायरल इन द सेंस आपके पास व्यूज़ आएंगे। लाइक क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं कहता कि अगर एक नया क्रिएटर आ रहा है और उसने तुरंत वीडियो स्टार्ट करी, कोई भी किसी भी टॉपिक पे वीडियो स्टार्ट करी तो सीधा 1 मिलियन पे पहुंच जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। आपके पास 1,000, 2,000, 5,000 तक व्यूज आएंगे, आप उस चीज में खुश रहिए। अगर आपके पास आज 5,000 व्यूज आ रहे हैं तो आज से 1 महीने बाद वो 10,000, 15,000 में भी कन्वर्ट होंगे। सो अपने चैनल के ऊपर बिल्कुल भी एक्सपेरिमेंट करने से मत घबराना और अपने चैनल को बिल्कुल भी शेयर मत करना किसी भी जगह पे, क्योंकि शेयर करने से आपका चैनल डेड हो सकता है, आपकी वीडियोस डेड हो सकती हैं। सो मिलता हूँ आपको एक नए और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।